आगे बढ़ते हैं। सोनिया ने पार्टी नेताओं की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। कांग्रेस ऑफिस में वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है सोनिया गांधी के द्वारा। सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं की इमरजेंसी बैठक बुलाई है, क्योंकि आपको बता दें ये पूरा मसला जब अधीर रंजन ने, जिन्होंने हालांकि अब माफी मांग ली है और उनका ये कहना कि गलती से उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल दिया, लेकिन इसको लेकर उन्होंने एहसास भी किया कि उन्होंने गलत बोल दिया। उन्होंने मीडिया को ढूंढा भी, लेकिन उस वक्त वो मिली नहीं और उसके बाद ये मामला तूल पकड़ता गया। अधीर रंजन कह रहे हैं कि मुद्दे को ज्यादा तूल बीजेपी दे रही है, ऐसा मुद्दा नहीं था और वो ये मानते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति ही हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। सोनिया गांधी ने भी ये कहा कि अधीर रंजन ने माफी मांग ली है और अब सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। कांग्रेस ऑफिस में वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है, तो तमाम वरिष्ठ नेता अब कांग्रेस ऑफिस पहुंचेंगे, क्योंकि अब ये इमरजेंसी बैठक सोनिया गांधी के द्वारा बुलाई गई है। हालांकि सोनिया गांधी ने यह साफ किया कि अधीर रंजन ने माफी मांग ली है। अधीर रंजन ने यह साफ किया कि उन्होंने गलती से बोला है, वो बीजेपी से माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन जो उन्होंने बोला वो गलती से उनसे जरूर निकला है और इस बात को वो मानते हैं। वहीं बीजेपी लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। और हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं की इमरजेंसी बैठक बुलाई है, जाहिर सी बात है जो अभी बवाल मचा हुआ है अधीर रंजन के बयान को लेकर, क्या उसी को लेकर ये बैठक बुलाई गई है? बिल्कुल, देखिए सोनिया गांधी भी नाराज हैं और जब मीडिया ने एक मीडिया हाउस ने एनआई ने जब उनसे पूछा अधीर रंजन चौधरी से, तो उन्होंने गुस्से में कहा कि वो पहले ही माफी मांग चुके हैं अपने बयान को लेकर और अब उन्होंने एक बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि संसद में अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद भारी हंगामा हुआ। लोकसभा राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों ने प्रदर्शन किया। हंगामे के बाद दोनों सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित भी कर दी गई थी और स्मृति ईरानी से लेकर अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी कर रही है मीनाक्षी लेखी, और अब इसको लेकर न सिर्फ दिल्ली में लेकर अलग अलग जगह और भी हंगामा होना शुरू हो जाएगा। प्रेस ब्रीफिंग दिल्ली में भी कर रही है दिल्ली प्रदेश, और इसके आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति का अपमान किया है, ऐसा स्मृति ईरानी ने कहा। बीजेपी के नेता अब ये कहने लगे हैं इसके अलावा कि कांग्रेस ने हर भारतीय नागरिक का अपमान किया है, अब इस लाइन पर बीजेपी निकल चुकी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कांग्रेस को आदिवासी राष्ट्रपति बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए, सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए, निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस से माफी मांगने को भी उन्होंने भी माफी मांगने को कहा। तो आप देखिए ये तमाम अब चीजें किस दिशा में जा रही है। सोनिया गांधी ने बुलाया, देखिए अब सवाल ये उठता है कि शायद सोनिया गांधी का भी ये मानना है कि हो सकता है कि हम हमारे साथ गलत हो रहा हो, या हो सकता है कि हमें प्रदर्शन ना किया करने दिया जा रहा हो, संसद में प्राइज हाई पर चर्चा ना करने दी जा रही हो, लेकिन हमें इस तरह का संयम रखना होगा कि देश की राष्ट्रपति अब वो केवल किसी एक पार्टी से नहीं है, वो देश की राष्ट्रपति है और उनके लिए किसी भी तरह का कोई भी शब्द सोचे समझे बिना नहीं कहा जाए। और अब इसको लेकर क्या आगे रणनीति होगी, सोनिया गांधी ने इसको लेकर बैठक बुलाई है। सोनिया गांधी तस्वीरों में नजर आ रही है, नाराज है मीडिया से पूछने पर उन्होंने, क्योंकि ये बैठक बुलाई गई है, वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहने वाले हैं क्या? हालांकि सोनिया गांधी ने ये क्लियर कर दिया कि अधीर रंजन ने माफी मांग ली है, लेकिन क्या अब किसी तरह की कुछ बातचीत इसको लेकर हो सकती है अधीर रंजन को लेकर, साथ ही साथ क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस इस इमरजेंसी बैठक के बाद हो सकती है? कांग्रेस करे, कांग्रेस बिल्कुल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। इसके अलावा पहले तो जो ये बैठक होगी उसमें क्या आगे की रणनीति होगी और क्या कांग्रेस के नेताओं को लाइन लेनी है, क्योंकि अब इतने दिन से विपक्ष जैसे हंगामा कर रहा था प्राइस हाइक को लेकर, अब बीजेपी को एक बैठक उठा मुद्दा मिल गया है। अब कोई भी मुद्दा होगा बीजेपी राष्ट्रपति को अपमानित करने के इस बयान को लेकर कांग्रेस पे अटैक करेगी, और ऐसे में जितना विपक्ष का जो हंगामा चल रहा था या विपक्ष जो बीजेपी कांग्रेस बीजेपी केंद्र सरकार को बैकफुट पे लेकर आ रही थी वो यहाँ पर धुलता नजर आ रहा है, और अब कांग्रेस जो है मजबरे में खड़ी हो जाएगी। और ये वो मसला है जहाँ पे विपक्ष भी इस मसले पे हो सकता है कांग्रेस के साथ ना आए, क्योंकि राष्ट्रपति का मामला है, राष्ट्रपति के लिए इस तरह के बयान का मामला है, तो विपक्ष भी साथ में दे पाए तो कांग्रेस अकेली और कटघरे में नजर आएगी। तो अब ये इसको कैसे संभाला जाए, सोनिया गांधी ने इसको लेकर ये संभवतः बैठक बुलाई है। इसमें के सी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी,
से लेकर तमाम सारे लोग इस बैठक में मौजूद होंगे, राहुल गांधी होंगे, और अब आगे की क्या रणनीति होगी, क्या लाइन ली जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाएगी, इन तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि देखिए देश में इस बात का माहौल बनाया जाएगा कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति का आदिवासियों का अपमान किया, तो अब उस मिथ को तोड़ने के लिए, उस बात को तोड़ने के लिए इस तरह की से सोच विचारधारा चल चुकी है कि कांग्रेस ने अपमानित किया, उस बात का खंडन करने के लिए अब कांग्रेस क्या नया स्ट्रैटेजी लाती है देखना होगा। लेकिन जाहिर तौर पर इस बैठक के बाद आपको कांग्रेस एक रणनीति के साथ नजर आएगी, सभी सिमिलर बयान देते नजर आएंगे और कांग्रेस हो सकता है इसको लेकर प्रेस वार्ता भी करे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आदिति पूरी जानकारी के लिए।